हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द स्पेशल एडिशन ऑफ जेन नेक्स्ट, मेरा मोबाइल मेरा बैंक मेरा बटुआ। On the 8th of November, Prime Minister Narendra Modi made a historic announcement that old 500 and 1000 rupee notes will no longer be legal tender except for some concessions or exceptions that were granted. Since then, there is considerable focus on cashless transactions or digital transactions as we push ahead towards a largely cashless economy, or what is being called a less cash economy, via mobile wallets, via prepaid card payments, via credit cards, via debit cards, via point of sale machines, among several other options that are there for digital and cashless transactions. Over the next 1 hour, people cutting across various sections of life and walks of life will be asking questions to an esteemed panel of guests. I'm Munmun Bhattacharya and with me is Arun Sharma. शुक्रिया मुनमुन। और एक वो जमाना था, एक वो दौर था जब लोग पैसों को अपनी जेब में रखा करते थे, अपने बटुए में रखा करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं जब आपका जो बैंक है, आपका बटुआ है, वो पूरा का पूरा इस मोबाइल में सिमटता नजर आ रहा है। आज घर बैठे ही आप दुनिया भर के तमाम काम कर सकते हैं, चाहे वो फ्लाइट्स की टिकट बुक करना हो या रेल की टिकट बुक करना हो, पिक्चर देखने जाना हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, सब कुछ आज मुमकिन है घर बैठे हुए मोबाइल के द्वारा। लेकिन मोबाइल से ट्रांजेक्शन कितना सिक्योर है, सेफ है, ये आपके जहन में जरूर आता होगा। कितनी सहूलियत भरा ये मोबाइल ऐप के जरिए ट्रांजेक्शन हो सकता है, इसको तमाम चीजों को जेनेक्स के पटल पे हम रख रहे हैं और स्पेशल एडिशन में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे हम लेस कैश अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो बारीकियां हैं, कुछ जो चीजें समझ नहीं आ रही है, टेक्निकल चीजें हैं, उसे आसान भाषा में समझाने के लिए आज हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बड़ा ही खास पैनल आज जुड़ रहा है। आप सबको इस खास पैनल के साथ में रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ वेंकटेशन राघवन जुड़ रहे हैं जो कि डिजिटल आईडीएफसी बैंक के, साथ साथ हमारे साथ अनुराग प्रियदर्शी हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव है एनपीसीआई जो नेशनल है। किशोर देसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ओएसडी है नीति आयोग के अंदर। और सुनीता सांगी हमारे साथ जुड़ रही है जो कि एडवाइजर है नीति आयोग के लिए, और वो बताएंगे कि मैक्रो लेवल पे क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से सरकार अब आगे काम कर रही है जिससे कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ हम जो आगे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ अग्रसर हो सके। चलिए, सब लोग लेस कैश अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अब आगे और क्या कुछ कर सकती है कि लोगों को अवेयर किया जा सके, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब डिजिटली लिटरेट हो सके और लेस कैश अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ सके। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लेस कैश इकोनॉमी के क्या कुछ फायदे हैं और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था अगर भारत बन जाता है तो कितना फायदा होता है और क्या कुछ आपको इसका फायदा होता हो दिखाई देगा। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो UPI ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड आपका बैंक भी बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। Absolutely. So now let's take a look at what some people from Mumbai have to say with regards to the questions that they have on a smooth transition to a less cash economy. मोबाइल के एप्स इसमें स्टोर्स में बहुत सारे एप्स है, अगर उनके थ्रू से हमने पैसा हमारे अकाउंट में से उनमें उस अकाउंट में ट्रांसफर किया तो क्या वो पैसा सेफ रहेगा क्या? अगर रहेगा तो लोग उसमें से यूज करते टाइम हमने अगर 10 रुपए की चीज खरीदी या 10,000 की खरीदी, क्या उतना ही 10,000 या 10 रुपया जाएगा कि उसके ऊपर और कुछ सरचार्ज जाएगा? आफ्टर ऑल द मोबाइल इंटरनेट का जो अभी जो सिस्टम्स गवर्नमेंट ने ऑपरेट किया है, दैट इज नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं हो सकता है। वो जो एजुकेटेड है, जो वेल सिविलाइज्ड है, जैसा भी कल्चर है, तो उसमें वो हिसाब से उनको अगर ऑपरेट करना हो तो वो ऑपरेट कर सकता है।
अगर आप किसी भी समझो जो अनएजुकेटेड आदमी को बता दो तो ही कान ऑपरेट। इवन आप बैंक में जाइए, बैंक में अगर स्लिप लिखने का जो रहता है ना, तो कोई कोई बोलते हैं आप ये स्लिप लिख के दो हमको, ये भर के दो। इवन वो उनको मालूम नहीं रहता है कि कैसा फिलअप किया जाता है। व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग टू फर्दर प्रोपागेट द पेटीएम बेस्ड पेमेंट्स, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट एंड इट इज़ वेरी स्मूथ। सो इट वुड हेल्प अ लॉट मेनी वेंडर्स एंड ऑल टू इम्प्लीमेंट इट, बट दे मे नॉट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट। So it is actually very easy if someone teaches them. Demonetization के बाद internet banking का use actually बढ़ा है, but I think लोग ज़्यादा इसके बारे में aware नहीं है। लोगों के पास उतना उनके पास adequate devices या फिर facilities नहीं है जिससे वो ये सीख पाए। तो शायद government अगर इसके बारे में कुछ नया initiative ले रही है ताकि लोग ज़्यादा educate हो इसके बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक होगा और वो गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए भी ज़्यादा होगा, ताकि ब्लैक मनी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। So those are some of the modes of digital payment that you and me can use to make our cashless transactions without, of course, the use of words of cash. We don't have to carry them to different places. We can simply use our mobile phones. We can use internet facility. We can use these card swipe machines to make our digital payments. Let's begin with the macro picture then. And Ms. Sanghi, I'll begin with you. There are several modes of digital payments. Take us through them and also tell us what is being done to spread awareness on them. देखिए मुद्दे तौर मोटे तौर पर पांच तरह के मैकेनिज्म हैं जिससे हम डिजिटली डील कर सकते हैं। पहला है हमारा बैंक कार्ड। बैंक कार्ड हम सभी लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम किसी किराने की दुकान पे जाएं या कहीं भी हम जाते हैं। आप एटीएम जो आप बैंक आपको जब जाते हैं तो एक एटीएम कार्ड तो देता ही देता है, जिसको आप डेबिट कार्ड भी कहते हैं। उस डेबिट कार्ड से आप जगह जगह कहीं भी जाकर के अपनी परचेजेस कर सकते हैं या आप अपना पैसा निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से। क्रेडिट कार्ड बैंक कार्ड के लिए आपको एटीएम कार्ड के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत है, पर क्रेडिट कार्ड के लिए आप में बहुत सारे बच्चे लोग जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्ड है उसको हम कहते हैं प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड जैसे आपका एक प्रीपेड मोबाइल होता है उसकी तरह का एक रिचार्जेबल कार्ड होता है। उस कार्ड के अंदर आप अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं या बैंक में ओवर द काउंटर जाकर के आप अपने पास एक बैंक का वो प्रीपेड कार्ड ले सकते हैं। और जैसे हमारे घर में माली काम करता है, कोई मेड सर्वेंट काम करती है या कोई भी आपका छोटा मोटा आदमी जो वो काम करता है, आप उसको एक प्रीपेड कार्ड वो आप दे सकते हैं उसकी तनख्वाह की जगह कुछ की जगह। सो ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें बिना अकाउंट के बिना मोबाइल के भी आप उसमें काम कर सकते हैं। दूसरा एक आपका होता है जिसे हम कहते हैं यूपीआई, जो यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट इंटरफेस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और इस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मैकेनिज्म में आपको स्मार्टफोन की और इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक से आप एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल एड्रेस को जो क्रिएट करके आपका अकाउंट नंबर किसी को मालूम नहीं चलता और आप अपना क्रेडिट को आप पैसे को भेज भी सकते हैं और पैसे को आप मंगा भी सकते हैं। तीसरा जो है आपका एक वो होता है आपका वॉलेट। अब जैसे आप अपने पर्स आप रखते हैं तो वॉलेट में आप पैसे रखते हैं, इसी तरह का ई वॉलेट होता है जिसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं। सिर्फ पेटीएम की किसी ने बात की, ऑक्सीजन है या मोबीक्विक है, ये छोटे छोटे आपके वॉलेट के एक वो है, एसबीआई आपका बड़ी है, ये वॉलेट के आपके हैं जिसको आप रख सकते हैं। जब भी आप चाहें किसी दुकान पे जाते हैं उससे आप अपनी पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। चौथा आपका मोड होता है यूएसएसडी, जिसमें आपने *99 हैश आपको दबाया। अभी किसी का एक प्रश्न आया था कि अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है वो उसको कैसे हैंडल करेगा, तो जो आपके फीचर फोन होते हैं जो जीएसएम नेटवर्क के फोन होते हैं उसके थ्रू आप इसको आप हैंडल कर सकते हैं। पांचवा जो है आपका एक होता है आधार एनेबल्ड होता है। हमारे रूरल एरिया में है जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी नहीं है या लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते, आज हिंदुस्तान के अंदर 99% लोगों के पास अपना आधार कार्ड है। अगर हमारे पास आधार नंबर हमें पता है, आपका एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होगा उसके पास आप जाएंगे, उसके पास एक आधार एटीएम की मशीन है, आप अपना थंब इम्प्रेशन को दे करके वहां लगा सकते हैं और आपके बैंक के डिटेल उसके अंदर अकाउंट के डिटेल आ जाएंगे, उसमें आप कैश को निकाल भी सकते हैं और कैश को आप कर भी सकते हैं। ये पांच मेन तरीके हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल पेमेंट्स को कर सकते हैं। चलिए आपने पांच महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए कि जिससे हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, पांच ये एक तरह से फॉर्मेट है जिसके थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। लेकिन आपने आधार की बात की है सुनीता जी, तो इसको भी हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ राघवन जी जुड़ रहे हैं, समझना चाहेंगे आधार का, अगर आप हमें डेमोन्स्ट्रेशन बता सकें कि अगर आधार कार्ड है तो क्या पेमेंट पॉसिबल है, क्या ये एक पॉसिबिलिटी है, ये किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे कि मैम ने बोला है
कि 99% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री हैज आधार एंड दिस इज एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री टू मूव टुवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी. वी आर द ओनली कंट्री टू हैव अ डिजिटल आइडेंटिटी एट दिस स्केल दैट ओवर 107 करोड़ पीपल हैव आधार आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन एंड दिस कैन नाउ बिकम अ यूनिवर्सल फाइनेंशियल एड्रेस. यानी कि मेरे कहने का यह मतलब है कि आगे चल के नाम बंदे का हो ना हो लेकिन आधार जरूर होना चाहिए. तो ये एक यूनिक नंबर है. जैसे कि आप लोगों ने जैसे आधार में जब जुड़े होंगे आपके आयरस डिटेल्स लिए गए, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए एंड फिर ये नंबर जनरेट हुआ. अब उस नंबर के जरिए कैसे वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जाए एंड स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में कि जहां पर लोगों को अपना पिन याद रखने में दिक्कत होती है या पिन कॉम्प्रोमाइज होने का चांसेस है. तो यहाँ पर आपका अंगूठा या फिंगरप्रिंट या आईरिस ही आपका पासवर्ड है. तो बात की आधार इनेबल्ड सिस्टम्स की, जो बात की कि आधार से भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. राघवन जी, क्या आधार से भी ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन पॉसिबल है? किस तरह से आप बता पाएंगे? क्या डेमो देकर के हमें समझा पाएंगे इस चीज को? जी बिल्कुल, डेमो भी करेंगे बट जस्ट संक्षिप्त में अगर मैं बता दूं कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अभी 99% लोगों के पास आधार है, अडल्ट पॉपुलेशन के पास, और ये एक अपने में एक यूनिवर्सल फाइनेंशियल एड्रेस बनने की क्षमता रखता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कंट्री में एक पहला इकोनॉमी है जिसमें आधार का ऐसे डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हुआ है एंड दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मूविंग टू अ कैशलेस इकोनॉमी. इसकी खासियत भी ये है कि बड़ा सिंपल है ऑपरेट करने को. तो स्पेशली फॉर सेमी अर्बन एंड रूरल इंडिया के लिए बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस, लास्ट 600 मिलियन पीपल आउट ऑफ 1.2 बिलियन पीपल के लिए जिनको ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है या स्मार्टफोन ऑपरेट करने में प्रॉब्लम है या फोन ही नहीं है बट लोगों के पास आधार होगा. तो इसके जरिए कैसे बैंकिंग किया जाए इसका मैं अभी एक्सप्लेन डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑडियंस में से कोई भी आ जाए, आप आ सकते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक माइक्रो एटीएम है. ऐसे कई माइक्रो एटीएम वेरियस बैंक्स लगा रहे हैं रूरल सेमी अर्बन एंड अर्बन इंडिया में. इस माइक्रो एटीएम में एक बायोमेट्रिक रीडर है, सेंसर है, एक थर्मल प्रिंटर है और एक इंटरफेस है. ये इन दिस केस ये एक टैब बेस्ड इंटरफेस है, एंड्रॉयड बेस्ड. तो इसमें कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं. इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं और आप कैशलेस सब्जी या कोई भी ग्रॉसरी भी खरीद सकते हैं. तो अभी मेरे साथ दीपक है. आप किस बैंक में खाता रखते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. इसकी खासियत ये भी है कि जैसे कि आप एटीएम पे जाके किसी भी बैंक का कार्ड या पिन की तरह ऑपरेट करते हैं, वैसे ही आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम माइक्रो एटीएम द्वारा आप किसी भी बैंक का आधार लिंक बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं. तो वी विल ट्राई कि ये इनका जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है ये आधार द्वारा हम एक्सेस करें. तो हम गए हैं आधार पे, हमने अभी सेलेक्ट करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करने के बाद हम इनका आधार नंबर पूछेंगे. तो ये क्योंकि 12 डिजिट का नंबर है सही तरीके से एंटर हो गया है तभी ये प्रोसीड करेगा. अगर इसमें एक भी डिजिट गलत है आधार का ये ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट करेगा कि आप री एंटर करिए. अभी हम इनका कंसेंट लेके इनका फिंगरप्रिंट लेंगे क्योंकि इनका पासवर्ड, इनका अंगूठा है, कोई भी 10 फिंगर्स दे सकते हैं या आयरिस से भी कर सकते हैं. ये जैसे ही ग्लो हो गया, नाउ यू प्लीज पुट योर फिंगर. तो अब ये कुछ ही क्षण में IDFC बैंक से NPCI होके, आधार होके, इनका फिंगरप्रिंट मैच करके फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से वापस ऑल द वे बैक आएगा एंड ये डिस्प्ले करेगा. जैसे कि आप देख रहे हैं ये IDFC का माइक्रो ATM से NPCI जाके, UID जाके, वहाँ पर इनका फिंगरप्रिंट मैच करके जो इनका पासवर्ड था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गया, इनके खाता एक्सेस हुआ और एंड ऑल द वे बैक ये इस माइक्रो एटीएम पे आया है.
तो ऐसे ही अगर कई माइक्रो एटीएम पूरे भारतवर्ष में लगाए जाएंगे, ऑलरेडी 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाए गए हैं, तो ये एक अपने में एक पब्लिक एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर का सुविधा प्रोवाइड होगा. ऑल यू नीड टू नो इज योर आधार नंबर एंड बैंक नेम. नो अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड, नो पासवर्ड रिक्वायर्ड. योर पासवर्ड इज योर फिंगरप्रिंट. तो पासवर्ड आपका फिंगरप्रिंट है. अगर इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से POS मशीन इसको हम कह सकते हैं, या फिर जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स कैरी कर रहे हैं. यस, इट्स अ बायोमेट्रिक POS. इसका नाम माइक्रो एटीएम है. RBI NPCI ने सब मिलकर इसको माइक्रो एटीएम का नाम दिया. राघवन जी ने जो भी टेक्निकल चीजें समझाई, इसको अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर आपके पास अगर केवल आधार कार्ड है, आधार के जो 12 डिजिट के नंबर है अगर वो आपके पास में है, तो आप अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसे जमा भी करा सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं. देश भर में कई सारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो जा रहे हैं वो अपने पैसों को निकाल सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं. एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर अरुण इज दैट माइक्रो एटीएम्स and these machines are predominantly used in rural areas and in semi-urban areas. So if you don't have a bank in brick and concrete there, then this is an easy way of accessing financial services. Absolutely, isn't it? That it precisely addresses the bottom 600 million people in this present situation, how easy and convenient and secure this banking is, because you don't have to remember any PIN. Your fingerprint is your password. Okay. चलिए, लेकिन मुनमुन कई मैं किशोर जी आपके पास भी आऊंगा. आप मुझे पता है कि आप भी अपना इनपुट देना चाह रहे हैं, लेकिन कई हमारे जो यंग युवा लोग हैं इनके भी कुछ सवाल है, अगर इनके सवाल लेने की कोशिश करें. सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इतने बड़े स्केल पे रूल आउट करना चाह रही है पुराने नोट्स को और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रही है, लेकिन जिस तरह से अपोजिशन इसके विरुद्ध है, तो कैसे हम इसको आगे लागू कर सकते हैं? बिकॉज सर, ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव ला सकता है. कैसे? क्योंकि सर, जो रूरल में जो लैंडलॉर्ड पीपल हैं या छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, वे अपनी इनकम शो नहीं करते हैं, तो वे इवन बीपीएल या फिर क्रीमी लेयर में आकर हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी को भी बाहर करते हैं. चलिए, तो ये कैसे कह रहे हैं कि कैशलेस कैश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था के लिए साबित होता नजर आएगा. और कोई सवाल यहाँ पे? जी, अपना सवाल कीजिए. Sir, I want to ask that when the government was initiating to open more Jandan accounts, so why at that time the emphasis was not put on developing more e-wallets? ठीक है. और कोई सवाल? आप पूछिए. So we have in India we have got lots of foreigners and tourists. So how will they will handle in this situation? ठीक है. लेस कैश वो किस तरह से लेस कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? एक दो सवाल और ले लेते हैं यहाँ से. So my question is that when we are dependent upon Paytm, why don't we have such Indian app that is so smooth to use? ठीक है, okay. एक और सवाल. Yes sir. Sir, I am asking, we are asked to use debit cards and all. What is about the security, that debit card cloning and all that stuff? ठीक है, important सवाल कुछ उठाए हैं. Security के feature पे बात करते हैं किशोर जी. सिक्योर कितना है? और दूसरा, क्या जैसे कि उन्होंने बात की, इतने सारे मोबाइल एप्स बाजार में मौजूद हैं, क्या एक ही मोबाइल ऐप ऐसा मिल जाए जिससे सब कुछ ट्रांजैक्शन, डेबिट क्रेडिट सब कुछ किया जा सके? मैं दो चार बातें इसमें कहना चाहता हूँ. देखिए, क्या है कि अगर आप जो ऑप्शंस, पांच ऑप्शंस मैडम ने बताए हैं, इन ऑप्शंस को अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट हम सारे लोगों को कैटर करते हैं. हमारे कई लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, कुछ लोग हैं हमारे पास जिनके पास स्मार्टफोन है, कुछ लोग हैं हमारे पास जो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बेसिक फ़ोन है, कुछ लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट तो है लेकिन फ़ोन होने के बाद भी वो कंफर्टेबल नहीं है उस फ़ोन को यूज़ करने के लिए. तो ये जो सारे चार पांच ऑप्शंस हैं, ये इस तरीके से डिज़ाइंड है कि अगर आपके पास कुछ है तो आपके पास एक रेंज ऑफ ऑप्शंस है, अगर आपका स्मार्टफोन है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो इसमें कोई डरने की बात नहीं कि इतने सारे ऑप्शंस हैं. बहुत सारे लोगों ने हमने बहुत प्रेजेंटेशंस किए हैं. काफी लोग हमें कहते हैं कि सर, आप पांच ऑप्शंस बता देते हो, हमें तो समझ नहीं आ रहा हमको कौन सा ऑप्शन यूज करना है. तो मैं इसमें दो चार बातें कहना चाहूंगा. पहला तो ये, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो यू कैन डेफिनेटली यूज अ ब्रॉडर रेंज ऑफ ऑप्शंस कंपेयर टू अदर्स. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल्सो, जैसे अगर आपने चाय खरीदी और समोसा खरीदा तो ये 10 रुपए का ट्रांजेक्शन है. अब लोगों को तकलीफ होती है 10 रुपए कैसे हम इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू भेजें. यूपीआई के थ्रू तो आप भेज ही सकते हैं, उसके लिए बड़ा आसान है वॉलेट्स, ई वॉलेट्स. हाँ, तो 10 रुपए छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए 5 रुपया वॉलेट के थ्रू कर ले. आपने एक ऑटो रिक्शा लिया, मान लीजिए 20 रुपए आपका ऑटो रिक्शा का खर्चा आया, आसानी से आप उसके मोबाइल पे अपने वॉलेट से उसके वॉलेट में ट्रांसफर कर दें.
तो ये जो सारे ऑप्शन है ये अपने कन्वीनियंस और डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन डिजाइन किए हुए. सो व्हाट इज इट फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन? सो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल यूपीआई की हालांकि अभी कुछ लिमिट्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन जो कि हम नॉर्मली काफी टाइम से यूज कर रहे हैं. एनईएफटी इज अ रूट, आरटीजीएस इज अ रूट, सो दैट इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर अस. क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो अनदर ग्रेट ऑप्शन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन. वन क्वेश्चन वॉज आस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ यूजिंग दीज डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट. हाउ वुड यू असोच फियर्स बिकॉज we have heard in the recent past about some security breach with regard to some debit cards. So how would you assuage fears with regard to security of such modes? So isme main ye kehna chahta hu ki already jo sare options hai hamare paas, for example credit cards ho gaye ya aapke jo upi based options hai, usme paisa automatically transfer nahi hota. Abhi koi humse question pooch rahe the ki bhai hamare wallet mein maan lijiye 100 rupaye hain. अब वो 100 रुपये हो सकता है अगर हमारा फ़ोन चोरी हो गया तो क्या वो मेरे 100 रुपये चले जाएंगे, घूम जाएंगे? यू कैन नॉट यूज़ दैट टिल यू नो द पासवर्ड फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर ऐप. सो पिन नंबर या पासवर्ड या जैसे आधार इनेबल्ड मशीन का हमने अभी किया, आदमी ट्रांजेक्शन तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो उसका फिंगरप्रिंट या आयरिस के थ्रू वो आइडेंटिफाई ना कर ले. सो देर आर सिक्योरिटी फीचर्स एंड देर आर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशूज ऑल्सो जो कि गवर्नमेंट, RBI और जो सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं, दे आर ऑलवेज एट द वॉच अबाउट एवरी ट्रांजेक्शन. सो दे आर फेयरली सिक्योर फॉर अस. अवर पिन नंबर्स एंड अवर पासवर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल यू नो थिंग्स दैट वी शुड डेफिनेटली प्रिजर्व. सो दोज कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज विथ. सुमिता जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पे आया था कि भारत में भी वो ऐप अब जल्दी आएगा कि एक ही मोबाइल ऐप के अंदर हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि क्यों इतने सारे मोबाइल ऐप्स हों? कई लोग का कहना है कि अगर पेटीएम मान लो फॉर एग्जांपल है, किसी के पास अगर ऑक्सीजन का अगर मोबाइल वॉलेट है तो वो आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो क्या एक यूनिवर्सल मोबाइल ऐप की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे आप? इसका जवाब जो मैं देना चाहूँगा थोड़े एक अलग अंदाज में देना चाहूँगा. जैसे आप बोल रहे हो हम ई वॉलेट के थ्रू पैसे ट्रांसफर करेंगे यहाँ से वहाँ, या फिर हम वॉलेट्स के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर वो अभी पॉसिबल नहीं है एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से डेबिट करो, जो कि आपका सिमिलर जैसे आपका पेटीएम है या कोई और भी ई वॉलेट विक्रेता है जो आपको देता है कि आप ये यूज कर सकते हो फॉर अपने छोटे छोटे ट्रांसफर या बड़े ट्रांसफर, तो आप उसको डायरेक्ट अपने अकाउंट से डेबिट करके किसी को भी दे सकते हो. सो जो यूपीआई की जो ऐप है उसमें आप कोई भी अकाउंट ऐड कर सकते हो. आप चाहे अगर आपको येस बैंक या SBI बैंक या आपको HDFC बैंक, जिसकी भी ऐप अच्छी लगती है, आप उसकी एक बैंक की ऐप डाउनलोड करो और उससे आपको जो भी ट्रांजेक्शन करने अपने जितने भी अकाउंट्स आप ऐड करना चाहते हो, अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो आप वो ऐड कर सकते हो उसमें, और उसके बाद आप उसका पिन सेट करके उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हो. तो यूपीआई में आप कोई भी अकाउंट से भी बैंकिंग कर रहे हो, आप उसके जरूरी नहीं है कि उसका ऐप ही डाउनलोड करो, आप दूसरे बैंक अकाउंट बैंक्स का भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो इसमें. सो वन यूपीआई ऐप इज नीडेड ऑन योर स्मार्टफोन फॉर ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शंस अक्रॉस बैंक्स, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? या ओके. सो द पॉइंट इज आई डोंट नीड टू हैव मल्टीपल ऐप्स फॉर मी, आई जस्ट हैव टू हैव अ सिंगल ऐप which is a UPI app and it can be of any bank, I can have multiple accounts into it. एक और चीज समझना चाहूंगा, यूपीआई ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो क्या ये प्ले स्टोर से होता है, या जो लोग एप्पल फोन रखते हैं क्या उनके लिए भी यूपीआई ऐप अवेलेबल रहता है? इसका प्रोसीजर क्या कुछ रहेगा इसको डाउनलोड करने का? जी, मैं उसको आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा. अगर आप फोन में अपने ऐप प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में जाके आपको बस अपना UPI टाइप करना है. UPI टाइप करने के बाद आपको जितने भी एप्लीकेशन बैंक्स के हैं वो आपको वहां पे मेंशन हो जाएंगे, जितने भी हैं वहां पे नीचे लिस्ट में आ जाएंगे. आपको बस UPI पे क्लिक करना है और आपको जितने भी एप्स मार्केट में अवेलेबल हैं या एप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो आपको इमीडिएटली वहां मिल जाएंगे. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप डाउनलोड कर सकते हैं? जी, आपको बस डेटा की जरूरत है और आपका नंबर बैंक्स के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए. So the transactions which are done through this mode is immediate in nature. So as soon as I do a transaction, it reaches to the destination. अच्छा, ये और बताइए, तमाम पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा फिर, अगर जो IMPS हम जो करते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन, हमने सुना है कि RTGS एक होता है, एक NEFT होता है, एक IMPS का ऑप्शन भी होता है. जी, IMPS में और ये UPI ऐप के अंदर डिफरेंस क्या है एक तरह से? ठीक, तो अगर आप IMPS के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे, IMPS क्या था, वो आपके वेब इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, आपके मोबाइल ऐप्स में भी हो सकता है,
लेकिन ये एक ऐसा ऐप है जो आपको इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप इसमें कितने भी आप जैसे आप अगर पीएनबी या एक्सिस किसी एक बैंक के साथ बैंक कर रहे हो तो आप उसमें जितने सारे अकाउंट्स हैं वो सारे एक जगह ऐड नहीं कर सकते हो, आपको हर बैंक के लिए अलग अलग पासवर्ड अलग अलग लॉगिन याद रखनी होगी। सो दिस इज मोर यूजर फ्रेंडली। जी यूपीआई ऐप का जो है आज की डेट में सारे एंड्रॉइड फोन पे आप कर सकते हैं। आपने एप्पल का प्रश्न रेज किया था, एप्पल के लिए जनवरी 2017 से ये उसके साथ कंपैटिबिलिटी आ जाएगी। चलिए, तो हमने जाना कि अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर से कैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, साथ ही साथ जो यूपीआई ऐप है इसको आप लेकर के डाउनलोड करके किस तरह से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर आपके पास बेसिक फोन ही है जो कि जिसमें कोई भी स्मार्टफोन या स्मार्ट इन नेचर नहीं होते जो फोन, तब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन लेस कैश तरीके से यानी कि डिजिटल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारी इस खास पेशकश के अंदर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना। गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान, तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। 5 महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है, देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता माँ की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। न लगाऊं सम्मान दांव पर, न चढ़ाऊं खाते भाव पर, मेरा खाता मेरा ही है, काले धन के खिलाफ है ये जंग, मैं हूं अपने देश के संग, क्योंकि ये देश मेरा ही है। काला धन छुपाने में मुझे भागीदार ना बनाएं। थोड़े रुपयों की खातिर अपने बैंक खाते में दूसरों का पैसा जमा न कराएं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद हो सकती है और गैर कानूनी तरीके से जमा की गई राशि को जब्त किया जा सकता है। काले धन के खिलाफ इस जंग में अपना सहयोग दें और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड आपका बैंक भी बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है।
जब कार एक्सीडेंट होता है और यदि बच्चों ने सीट बेल्ट न पहनी हो या वो बच्चों के लिए खास बनी कार सीट में सुरक्षित न हो तो एक्सीडेंट में उन्हें सर्वाधिक चोट लगती है। कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके लिए निर्मित विशेष सीट या सीट बेल्ट में ही सुरक्षित रखना चाहिए। ये सीट बाजार में उपलब्ध है और गाड़ी की पिछली सीट पर लगाई जाती है। सदा इनका प्रयोग करें और बच्चों को हर परिस्थिति में सुरक्षित रखें। ए से ऑटोमोबाइल्स हो या एस से सुपर बाइक्स, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स ए टू जेड आपके काम आते हैं। कल भी शेयर मार्केट 300 पॉइंट से डाउन। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपके पास एक भी शेयर है क्या? लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ ना? गया, ये भी गया। क्या होने वाला है इंडिया का? अरे पापा, ये 5 साल पुराना मैच है, ये जीत चुके थे हम। क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? अरे गलती तो गलती है ना। मिसेस गुप्ता की बेटी की शादी हो गई क्या? तुम्हारी बेटी की हो गई ना, खुश रहो। अरे अब दूसरी टेंशन के लिए टाइम तो होगा ही, क्योंकि डिजिटल इंडिया के जीवन प्रमाण पोर्टल से हर साल बिना टेंशन घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र पाना हो गया है एकदम आसान। तो अब पेंशन के लिए नो टेंशन। बिना हेलमेट बाइक की सवारी, याद रखिए हेलमेट ना हो तो सड़क पर सिर और तरबूज में कोई फर्क नहीं। क्या जरूरी है कि हर बात हादसों से ही सीखी जाए? हेलमेट पहने सुरक्षित चलें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Welcome back. You're watching a special edition of Gen Next program, Mera Mobile, Mera Bank, Mera Wallet. Before going into the break, we spoke about various digital options for transactions or digital transactions or cashless transactions. One of the key modes of cashless transactions or digital transactions is by using the feature phone, which is not a smartphone, which is a simpler phone, and 65% of our population is using feature phones. So, Mr. Priyadarshi, do a demo for us on how a feature phone can be used for banking transactions even without an internet connection. So what I'll do, there is a number, single number, which is available in the market. You just have to dial a *99 hash number. You just have to punch in that number, and basis on that number, you'll get a menu saying that you have to enter your first four letter of your IFSC or short name of your name of your bank or whatever bank you are banking with. So I'll do a demo for this where I can show you how the mobile bank, the customer who is using a feature phone has to use this service. आपको सिंपल एक नंबर डायल करना है *99#, जो उसी नंबर से डायल करिए जिससे आपका बैंकिंग अकाउंट रजिस्टर्ड है। अगर आपका बैंकिंग अकाउंट रजिस्टर्ड है तो वो ट्रांजैक्शन आपको सक्सेसफुल दिखाएगा, और वहाँ पे जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर वो फंड ट्रांसफर है या बैलेंस इंक्वायरी है या आप अपने आधार का सीडिंग स्टेटस जानना चाहते हो, तो वो भी आपको पता चल सकता है। लेकिन क्या हमें बैंक को पहले से लिंक करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा *99# की जो आप बात कर रहे हैं, और क्या तमाम नेटवर्क्स पर सेम ही रहेगा, चाहे आप एयरटेल यूज करें, वोडाफोन यूज करें, सबके लिए क्या सेम ये USSD रहेगा? जी, अगर आप बात करें कि कस्टमर को क्या करना होगा, तो कस्टमर को उसके ब्रांच में जाके, अपने ब्रांच में जाके उनको बोलना होगा कि मेरे को मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिसके लिए मैं, जिसके चलते मैं *99# कर सकूं। इसमें आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो 5,000 तक की लिमिट है। आप 5,000 तक का पैसा एक बार में भेज सकते हैं, और आपको जैसा मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर आप अपने बैंक का IFSC डालेंगे, मैंने जैसे अपना यूनियन बैंक का डाला तो UBIN मैंने एंटर किया, मेरे को जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस फ़ोन पे दिख जाएंगे। मैं अपना बैलेंस इंक्वायरी अगर करना चाहता हूं और मेरा अगर नंबर रजिस्टर्ड है तो मेरे को उसी टाइम बताएगा कि आपका बैलेंस क्या है। इसी तरह मैं अपने सेम सर्विस को यूज़ करके अपना मोबाइल नंबर MMID के थ्रू पैसे भेज सकता हूँ। मैं अपना पैसा लोगों को अकाउंट IFSC के बेसिस पे भी भेज सकता हूँ, जिनको भी अकाउंट IFSC भी पता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेबल है और उनको उसके बारे में सबको ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ समझना चाहूँगा यहाँ पे आपसे। 65% बेसिक फोन्स इंडिया के अंदर है, यानी कि ये वो लोग यूज कर रहे हैं एक तरह से जो कि यंगस्टर नहीं है, उम्र दराज है, बड़ी उम्र के लोग हैं। क्या ये इंग्लिश में ही उपलब्ध है ये USSD के फीचर्स, या हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जी,
ये 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आपके पास हिंदी, इंग्लिश और कई रीजनल लैंग्वेजेस को लेके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आप NPCI की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट वो कोर्स, जिससे आप अपना USSD चला सकते हैं अगर आप रीजनल लैंग्वेज भी जानना का यूज करना चाहते हैं तो। चलिए, तो ये तो मुनमुन हमने लगभग तीन चीजें समझने की कोशिश की, UPI से पेमेंट कैसे करें, आधार कार्ड अगर आपके पास में है तो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कितनी आसानी से कर सकें, और तीसरा जो हमने USSD की बात की यानी कि *99# की जो बात की, अगर इसको आप डायल करते हैं तब भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। हमारे साथ जो जनता जनार्दन मौजूद है उनसे समझने की कोशिश करते हैं कितना आसान है, क्या कुछ और भी क्वेरीज है, क्वेरीज काफी सारी है मेरे को लग रहा है यहाँ पे, कुछ क्वेरीज लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। जी सवाल पूछिए आपने। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं कि बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड फैसला उन्होंने लिया और जनता उनके साथ है। मेरा एक क्वेश्चन है ई वॉलेट के ऊपर जो सर अभी बता रहे थे। ई वॉलेट का है कि ई वॉलेट से ई वॉलेट आप ट्रांसफर करते हैं उसमें कोई पैसा नहीं कटता, बट ई वॉलेट टू आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं उसमें परसेंटेज कुछ कटती है, तो इसके लिए वेंडर्स ये बोल रहे हैं कि हमारे पैसे हमको कम मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर सरकार क्या फैसला ले रही है? अगला सवाल आपका, बताइए। Youth of India is very techno, but what about the small farmers? How will they manage? ठीक है, यानी जो USSD feature की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अपना सवाल बताइए। सर, जो local vendors हैं, वो swipe machines तो अपने पास रखते नहीं हैं, और कई vendors refuse कर देते हैं कि उन्होंने e-wallet से पैसा ले लें या फिर online transaction से पैसा लेना है। So, जो daily groceries या staples का काम है वो कैसे चल सकता है? ठीक है, आपके बगल में जो बैठे हुए, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर हैं, तो ये बताइए, हाँ, तो कितना आसान आपको लग रहा है ये जो हमने समझाने की कोशिश की, एक तरह से कितना आसान आपको ये लग रहा है? एक तरह से आसान क्या लग रहा है, आप रोड पे चल रहे हैं, टायर फट गया, पंचर हो गया, तो क्या पंचर वाला ऐसे मानेगा? हाँ ठीक है, और पूछिए। हाँ, तो उसके लिए तो कैश तो देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को तो नहीं लग रहा कि इतना आसान हो जाएगा। आसान नहीं होगा, ठीक है। और कोई सवाल आपके जहन में? नहीं। ठीक है, और कोई सवाल यहाँ पे? जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो ज्यादातर हम लोग मींस जो भी यूथ की है वो भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में इंटरेस्टेड होती है, तो ज्यादातर हम लोग है ना कैसे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम कभी साइज फिट नहीं आता, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इसका जो भी प्रोसीजर होता है ना बहुत लेंदी होता है कि कभी कभी पीपल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना लेंदी प्रोसीजर है, हम लोग कैसे पेमेंट वगैरह वापस। सिक्योरिटी इसका एक कारण हो सकता है कि सिक्योर करने के लिए इतने लंबे फीचर्स हैं। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा जो कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ पे हैं, इनसे मैं जरूर समझना चाहूंगा कि आखिर क्या इनको लगता है। पहला सवाल ये कि अगर मुझे रात में कभी नाइट में मुझे अगर पैसे की जरूरत पड़ती है 1-2 लाख की, तो माइक्रो एटीएम से कैसे निकलेगा, और माइक्रो एटीएम 24 घंटे कैसे काम कर सकता है, और हमारे देश में ऐसा है कि जहां रात में सब एटीएम खार के ले जाते हैं, तो ये कितना सुरक्षित हो सकता है? सुरक्षित। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल वहां पे, आप माइक जरा उनको दीजिए। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कितना आपको आसान लग रहा है, क्योंकि आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप तो खुद गार्ड करते हैं, क्या आपको आसान लग रहा है जो हमने जितना भी समझाने की कोशिश की इन एप्स के जरिए? इतना टफ नहीं है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और जो अपने घर में जो अनएजुकेटेड हैं उनको वो इस मामले में कुछ नहीं कर पाएंगे अब, और छोटे छोटे शहरों में तो ऐसा कहते हैं, कहीं कहीं तो कहते हैं ये इंटरनेट बैंकिंग का तो कुछ करेंगे नहीं, कैश की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वहाँ कैसे होगा? All right, so practice makes perfect as they say. And of course, we are all here, the guests are here to answer your questions. आपके सवालों का जवाब देने के लिए ये लोग बैठे हैं। Sanghi ma'am, I would want to ask you about the charges that he asked about that are levied on e-wallets. We know that the USSD charges for the simpler phones or feature phones have been done away with till the 31st of December. But he is saying that still there are problems with regard to charges levied on use of e-wallets. So what would you say to him? तो ये मैटर ऑलरेडी है सरकार के सामने कि जो आप डिजिटल पेमेंट करना चाह रहे हैं उस पर अगर हम चार्जेस लगाएंगे तो हो सकता है कि लोग इतने इंसेंटिवाइज ना हो, तो ये सरकार के सामने है, अब ये सरकार ने डिसीजन लेना है उसके बारे में कि क्या किया जाएगा। किशोर, जो ड्राइवर हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा अपना, उन्होंने कहा कि अब रास्ते में कहीं है फंसे हुए हैं, टायर फट गया, टायर रिपेयर कराने, छोटी छोटी चीजें हैं, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था इनका, ये कैसे लेस कैश अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं एक तरह से? मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप प्रधानमंत्री जी को भी सुने तो वो कैशलेस इकोनॉमी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, वो लेस कैश इकोनॉमी यूज कर रहे हैं।
मेरे ख्याल से हमको ये चीज ध्यान में देनी होगी कि अभी ये स्टार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन है. जब एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड आए थे काफी सालों पहले, तब अगर हमसे तब आप ये सवाल पूछते तो हम कहते हैं यार एटीएम कार्ड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से बैंक जाइए, एक फॉर्म भरिए, बैंक से पैसा निकाल लीजिए. कौन यूज करेगा एटीएम कार्ड्स? आज देखिए करीब 60 करोड़ एटीएम कार्ड्स हैं मार्केट में और लोग उनको यूज कर रहे हैं. आज से 10-15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एटीएम कार्ड्स भी लोग यूज करेंगे. एटीएम कार्ड भी एक तरीके का किसी फॉर्म में डिजिटल ट्रांजेक्शन तो है ही. आज हम बात कर रहे हैं यूपीआई, यूएसएसडी, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स. हम सब वही सवाल फिर से पूछ रहे हैं कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम यूज नहीं कर पाएंगे. हो सकता है ये, वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्टार्ट ऑफ दैट रिवॉल्यूशन है. एज मच एज वी स्टार्ट अडॉप्टिंग, आई एम श्योर देर विल बी अ टाइम, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, मे बी 2 years डाउन द लाइन, वे वी ऑल विल बी कंफर्टेबल विद वेरियस मोड्स. मैं उनका जवाब देता हूँ. हो सकता है आज अगर आपका टायर फट जाए तो शायद ड्राइवर जो जो आदमी आपका पंचर बना रहा है वो बोले साहब मुझे तो कैश चाहिए. लेकिन अगर ये इकोसिस्टम अपने आप में बनने लग गया, आपके मोबाइल फ़ोन में वॉलेट या यूपीआई आ जाए, जो पंचर बना रहा है उसके भी मोबाइल फ़ोन में वॉलेट या यूपीआई आ जाए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और ये बहुत आसान है. हाँ, तो इसलिए देखिए पहला सवाल पूछा गया था कि इतने ऑप्शंस क्यों हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में होमोजेनिटी नहीं है ना. कुछ लोग हैं हमारे जिनके पास फ़ोन है लेकिन फ़ोन यूज़ करना नहीं चाहते, कुछ लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके पास बस आधार कार्ड है, कुछ ऐसे भी जिनके पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं है. तो ये जो ऑप्शंस हैं इतने सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाए गए कि सभी लोग यूज कर पाए. राघवन वेंकटेशन, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ऑन व्हाट कैन स्मॉल फार्मर्स डू अबाउट दिस. ई नाम और द एग्रीकल्चर मार्केट हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड फॉर दीस फार्मर्स एंड वी नो दैट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दैट आर देयर इन द कंट्री. सो हाउ कैन दे यूज माइक्रो एटीएम्स एंड आर दे इंक्रीजिंगली यूजिंग माइक्रो एटीएम्स आफ्टर डीमोनेटाइजेशन? आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड पर्टेनिंग टू मंडी एंड एपीएमसी. I would like to share that IDFC Bank has already done couple of mandis in India where we have made them cashless. Kukatpally in Andhra Pradesh in Hyderabad is one such example. There's a Raitu Bazaar in Krishna district, Andhra Pradesh also is another example. We are also looking at how we can do few more mandis. So what we have done is we have placed a micro ATM at the mandi and we have enabled people to come and instead of withdrawing cash, what we have done is when they use the Aadhaar system to withdraw the money, instead of giving them cash, we have given them coupons. That coupon is being traded within the APMC market and the market has become cashless. At the end of the day, when the particular vegetable seller has finished off selling off his produce, they come to the micro ATM point and deposit their money in their choice of bank account which is linked to Aadhaar, because the micro ATM allows interoperable cash deposit. So there are many innovations, banks are innovating. Main inka bhi sawal answer karna chahunga ki aapne bola ki normal hawker ya vegetable seller kaise isko solve karega. To government of India is already looking at creating a common micro ATM app across banks, jo aise ek smartphone pe aa sakta hai. Itna bada device ki bhi zarurat nahi hai. ऐसे एक यूएसबी डोंगल लगाएंगे जो बायोमेट्रिक होगा एंड उसके उस पर अगर फिंगरप्रिंट डालेंगे और ऐप पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इस पे देखा वो इस पे भी कर सकते हैं. सो माइक्रो एटीएम ऐप इज कमिंग व्हिच विल बी लिंक्ड टू आधार नंबर. इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज ऑलरेडी इन द ऑफिंग. सो वी आर टॉकिंग एवरी बैंक हैज देयर ओन ऐप बट वी आर ऑल्सो लुकिंग एट हाउ यू कैन कम अप विद अ कॉमन ऐप, कॉमन माइक्रो एटीएम ऐप which can be downloaded across the smartphones of various people on the street selling any kind of commodity along with a biometric dongle to enable secure Aadhaar-based payments. अनुराग आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कुछ लोगों के सवाल भी आए थे. पहला सवाल जो किसी ने पूछा था यहाँ पे ये था कि काफी लंबा प्रोसीजर रहता है. यूपीआई की बात कर लीजिए, नेक्स्ट करना होता है, ओटीपी डालना पड़ता है, इतना कंबर्सम हो जाता है. कम से कम 12 से 14 स्टेप्स लग जाते हैं उसके बाद जाके ट्रांसफर होता है. सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपने तो स्टेप्स फॉलो कर दिए, बाद में एक एरर आ जाती है कि आपका वेब पेज एक्सपायर हो गया या सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. इस तरह के कुछ सवाल हमने लेने की कोशिश की है. तो क्या लग रहा है यूपीआई को और भी अब डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का अब मार्केट में प्रेशर आ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा यूपीआई यूज कर रहे हैं ऐप्स को, इसमें यूपीआई ऐप को अब डेवलप करने का नंबर आ चुका है? जी, इन सब चीज़ों को हमने पहले से ही ध्यान में रखा है. जब हम ऐप्स के डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे बैंक्स के साथ और उनके साथ जब पार्टनरिंग में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बोला कि कस्टमर को बेयर मिनिमम जो भी पॉइंट्स है जहाँ पे भी कस्टमर की एंट्री की ज़रूरत है वो सबसे कम होने चाहिए.
तो हमने कस्टमर को कभी ओटीपी डालने के लिए ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया कि आपको ओटीपी डालना है अनलेस एंड अंटिल आप एमपिन सेट कर रहे हो. अगर आप ऑलरेडी आपके पास कोई ऐप नहीं है, आप डाउनलोड करते हो, तो आपके फ़ोन से ऑटोमेटिकली एक एसएमएस जाएगा जिस भी बैंक की ऐप डाउनलोड करते हो आप, और वहाँ पे उसका आपका जो नंबर है मोबाइल नंबर वो कैप्चर हो जाएगा कि आप करेक्ट पर्सन हो जो ऐप डाउनलोड कर रहा है या ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करना चाह रहा है. नेक्स्ट जो इसमें चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे हम बोलते हैं कि मोबाइल नंबर, MMID, अकाउंट नंबर, IFSC, इतने 12 डिजिट की चीज़ें मेरे को याद करने में दिक्कत है, या मेरे को किसी से लेने में प्रॉब्लम है, या कुछ लोग होते हैं जो देना भी नहीं चाहते हैं, तो उस केस में हमने बोला है कि एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट आप कर लो, जो कि सेम आप जैसे ही UPI ऐप डाउनलोड करोगे आपसे वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कराएंगे हम, और उस वर्चुअल एड्रेस के बेसिस पे ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो. सो मेरे को किसी को भी आगे जाके ये देने की जरूरत नहीं है कि मैं, मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरा IFSC ये है, मैं सिर्फ जाके वो वर्चुअल एड्रेस दे दूंगा और वो सामने वाला बंदा मेरे को उससे पैसे भेज भी सकता है और उसी बेसिस पे पैसे कलेक्ट भी कर सकता है मेरे से. ठीक है. सो जो भेजने और वापस मांगने की ये जो फैसिलिटी जो इसमें हमने दी है, ये UPI का एक यूनिक फीचर है. प्लस इसके साथ आप कोई भी अकाउंट, कितने भी अकाउंट आपके एक ही सिंगल ऐप में आप ऐड भी कर सकते हो. हाउ कैन मोबाइल वॉलेट्स बी यूज्ड अनुराग फॉर डिजिटल पेमेंट्स? दे आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड, बट टू द अनइनिशिएटेड व्हाट वुड यू से? सो एज ऑफ नाउ व्हाट UPI हैंडल्स इज अ डायरेक्ट अकाउंट. इट डजंट एक्ट एज अ वॉलेट. वॉलेट आपका इसमें आता ही नहीं है. यू जस्ट हैव योर अकाउंट विच यू लिंक टू योर ऐप एंड यू डू अ ट्रांजेक्शन. इट कैन बी टू अ स्मॉल मर्चेंट. आप बड़े दुकानों में भी जाके QR स्कैन कोड कर सकते हो. आप बाकी फीचर्स भी इसमें यूज कर सकते हो. सो ऑल दोज फीचर्स आर ऑलरेडी देयर इन UPI ऐप. यू डोंट नीड टू गो टू वॉलेट एज वेल. ठीक है. तो ये आपने एक तरह से बताया कि किस तरह से UPI ऐप, USSD और एक तरह से आधार की हम बात कर रहे हैं. मोबाइल वॉलेट्स का भी हम जिक्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सवाल हम यहाँ लेने की कोशिश करते हैं जो कि स्टूडेंट्स और जो हमारे कॉलेज गोइंग छात्र पूछना चाहते हैं. लाइक रिसेंटली वी हैव इश्यू ऑफ डेटा ब्रीचिंग इन विच वी गेट टू नो दैट इवन इन द ATM वी गॉट द इश्यू ऑफ डेटा कॉपिंग. सो डू द गवर्नमेंट लुक आउट अबाउट दिस थिंग इन इन केस ऑफ दिस माइक्रो ATM सिक्योरिटी की आप मतलब बात कर रहे हैं? और कोई सवाल यहाँ पे पूछिए. I would like to ask ma'am. Ma'am, we are surrounded by two hostile enemies, our neighbors, and these all things are online. And financial terrorism and cyber crime is so rampant. So, do we have any procedure to check these features, or like if we have any agreement with any other countries to tackle these things? ठीक है. एक आखिरी सवाल. ठीक है. आपका एक आखिरी सवाल. While doing this transaction, if our network got lost also, will be the transaction successful or not? अच्छा ठीक है. यानी कि नेटवर्क में अगर कोई दिक्कत आती है तो पेमेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा. चलिए अब आखिरी कुछ समय बाकी है, सबके क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे और जो सवाल पूछे गए उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं. मैम आपसे शुरुआत कर लेते हैं. आई थिंक भारत सरकार जो है काफ़ी स्टेप्स ले रही है सिक्योरिटी के एंगल पे. सेंसिटिव है कि ये सिक्योरिटी इशू है और काफ़ी अच्छी तरह से सिक्योरिटी करने के लिए कि सारा जो भी आपका पैसा है, जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, वो सिक्योरिटी फीचर ऑलरेडी जितनी भी ऐप डेवलप हो रही है उसके पीछे बैकएंड पे रखा जा रहा है. किशोर आपसे समझना चाहेंगे, स्वीडन जैसा देश, डेनमार्क जैसा देश, 95% लेस कैश है वहां पे. इंडिया में 5% 6% लेस कैश है. क्या वो दिन कब तक आ पाएगा जब सब लोग, जैसे कि वो बात कर रहे थे, अगर टायर फट गया कहीं पे किसी का तो उस स्तर तक जाके कब तक हम लेस कैश हो पाएंगे? कब तक वो मोबाइल एप्स के ऊपर हम कंप्लीटली आ पाएंगे? देखिए मैं तो इसका ये जवाब, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ. हाँ. मुझे लगता है कि आप अगर आप इंडिया का डेमोग्राफिक्स भी देखें तो हमारे देश में सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है. एंड मेरे ख्याल से हमारे जो युवा मित्र हैं वो तो स्मार्टफोन में मुझसे ज़्यादा अच्छे होंगे. एंड आई थिंक दे विल फाइंड इट वेरी इजी टू यूज़ एप्स लाइक UPI, ई वॉलेट्स. सो आई डोंट थिंक इट्स टेकिंग टू मच, इट वॉन्ट टेक टू मच ऑफ टाइम. स्लोली वी विल बी गेटिंग देयर एंड गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दीज ऑप्शन. एंड इनफैक्ट डीमोनेटाइजेशन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस to actually get sensitized about options available and start using them. A lot is also said about reliability of the network. So if that continues to be a problem, because we know that optical fiber has not been laid across the country as was envisioned under Digital India, there are network related issues also. So when people face these network related issues, there's a sense of frustration that creeps in. What would you want to say to them? So yes,
sometimes you know network goes down and it's natural, but electronic payment systems, whatever five modes we have mentioned here, all are electronic payment systems, which means they are real-time transactions. So when a network goes down, the systems are intelligent enough to understand at which point the network has gone down. Say for example, we have to send the transaction between three entities, A, B and C. And there is a network break between A and B. There is a certain time within which the transaction has to go from A to B. If that does not happen, then there is a response, reverse response from B, that I have not received your message. Then the A part reinitiates. So there are some checks and balances in the system which automatically trigger that I have to replay that message. So the systems are built because when we are dealing with such a lot of electronic payment system, we can't have manual people coming in and intervening that this has broken down. So the electronic payment systems is very safe, and the more we use it, it's better for our country. Like Kishore was rightly to point out, this is not a crisis, this is an opportunity for India to leap from. Raghavan, one quick comment on payment banks. How can people use them, and are they revolutionizing the banking space? Absolutely. So Reserve Bank of India has been really revisionary to come up with new payment niche bank options. There are small finance banks, there are payment banks. The one which has been recently launched in Rajasthan, there was a newspaper article that they have opened about 10,000 accounts very recently. So these are all proper banks. You can go and open accounts with them and save with them. They are just like any other bank. There are three categories of banks now: universal banks, banks which are allowed to do a lot of other activities like give loans and other things. Those are called universal banks. Small finance banks, which are a certain limit of loans only they can allow, and payment banks, which are only focused on payment businesses. अनुराग, कंक्लूजन आपसे समझना चाहेंगे. ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर फ्रेंडली एप्स हों ताकि कंज्यूमर पे ज्यादा जोर ना पड़े, तो कंज्यूमर फ्रेंडली एप्स बनाने की दिशा के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है इस समय पर? जी, जैसा कि आज आप लोग पिन को भी लेके थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं कि हम कैसे पिन यूज करेंगे, हम ऐसे सिस्टम्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं जो कल बायोमेट्रिक से भी चल सकते हैं, ऑन मोबाइल ओनली या आयरिस से चल सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हम इन टाइप के सर्विसेज को और इजी तरीके से लोगों को दे पाएंगे जितना हम अभी दे रहे हैं. आप सभी जो मेहमान आए, जो पूरा खास पैनल हमारे साथ जुड़ा, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो तमाम युवाओं को और हर वर्ग के लोग जो हमारे साथ जुड़े, इन सबको आपने एक तरह से समझाने की कोशिश की काफी बारीकी के साथ में. एब्सोल्युटली, थैंक यू ऑल. राघवन वेंकटेशन, अनुराग प्रियदर्शी, किशोर देसाई, सुनीता सांघी एंड अ वंडरफुल इंटरैक्टिव ऑडियंस फॉर हैविंग जॉइंड अस ऑन दिस स्पेशल एडिशन ऑफ जेन नेक्स्ट. लेकिन मुनमुन, कंक्लूड करने से पहले, क्या आप मोबाइल ट्रांजैक्शन 100% जो लेस कैश है या फिर अभी भी आप कैश में डील करते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन है? आई एम आल्सो वन ऑफ ऑल दीज पीपल हियर हु आर ट्राइंग टू मेक दिस ट्रांजिशन फ्रॉम कैश ट्रांजैक्शन मोड ऑफ पेमेंट. तो ये जो वॉलेट था, अभी तक हम लोग वॉलेट को इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही हम लोग इस मोबाइल वॉलेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. यानी कि सब कुछ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, मूवी की टिकट्स बुक करना हो, या वेजिटेबल ग्रोसर्स को, जो वेजिटेबल वेंडर है उसको पैसे देने हो, हर किसी के पेमेंट हम इस मोबाइल से कर सकते हैं. लेकिन जरूरत है सिर्फ इस बात की कि लोग सबको अवेयर करें. जो लोग जानते हैं मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना, डिजिटली लिटरेट हैं, वो और लोगों को डिजिटली लिटरेट करें, क्योंकि जब एक दूसरे को सिखाएगा तभी शायद जो देश है लेस कैश अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है उस मुकाम को हासिल कर पाएगा. Absolutely, there's a ray of hope there because India is already a champion in so far as information technology services is concerned, and we are trying to be a champion in financial services as well. And when these two integrate, then of course we can ensure a smooth transition to a less cash economy. With that, we'll thank you all for having joined us. Thanks for watching. Namaskar.